वेलकम टू श्रीमतीज किचन। आज मैं आपको बेसन के लड्डू बता रही हूँ, जिसकी जो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्योंकि घर के लड्डू वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं। तो आजकल बाज़ार से मिठाई लाना वैसे भी सेफ़ नहीं है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। तो यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 150 से 200 ग्राम घी डाल दिया है। उसको मैंने मेल्ट कर दिया है अच्छी तरह और अब मैंने ये बेसन छान के रख लिया था। तो ये मैंने आधा किलो बेसन लिया है। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे और गैस हमने बहुत तेज़ नहीं रखनी, आहिस्ता पे लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। अभी अगर मेरे को इसमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी सूखा सूखा है, हल्का से ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसमें घी, कम घी में ही बहुत अच्छे लड्डू बन जाते हैं। तो आधा किलो में कम से कम इसमें 250 ग्राम के करीब घी पड़ जाता है। अभी ये इसको मिलाने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, थोड़ा सा हार्ड काफ़ी रहता है, उसके बाद देखना जब ये भुन जाएगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये हमने आहिस्ता गैस पे इसको बिल्कुल भुना है, तो ये 15-20 मिनट इसको लग गए हैं कम से कम भुनने में। ये देखिए आप कितना हल्का हो गया है और सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल घी इसने छोड़ दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर, अब ये मेरा भुन चुका है तो हम इसको गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा जब गुनगुना होगा तब उसके बाद इसमें लड्डू बनेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा ठंडा हो गया है, अभी थोड़ा हल्का हल्का गुनगुना है। इस स्टेज पर आकर हमको अपनी आधा किलो बूरा, बूरा मतलब जैसे आप अगर बूरा मिलती है नहीं तो चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं, ये मैंने आधा किलो बूरा ली है। आधा किलो में और थोड़ा सा हम रोक लेंगे, अभी ज़रूरी नहीं पूरी डालो। अभी हम इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। मीठा हम अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, जिसको थोड़ा ज़्यादा मीठा खा तो ज़्यादा भी कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं कम करना। हमने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लेना है, बूरा को और ये जो बेसन भुना हुआ है हमारा, इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिला कर फिर हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब आपको अपने जैसे जितना भी मोटा लड्डू रखना है वो बना सकते हैं, थोड़ा छोटा भी बड़ा भी। तो आप उसको अपने हाथों में ऐसे दोनों हाथों में दबा के ऐसे गोल गोल लड्डू बनाने हैं। मैं आप अपनी पसंद के अनुसार आप डाल सकते हैं थोड़ा सा बादाम काजू पिस्ता, लेकिन मेरे को तो प्लेन ही पसंद है तो मैंने इसलिए ऐसे ही बनाए हैं। तो आप अगर खाते हैं तो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा। तो अब हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं सारे, कुछ मैंने बड़े बनाए कुछ छोटे बनाए, छोटे बच्चों को पसंद काफ़ी आते हैं, खाने में भी इजी रहते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बने और मुंह में जाते ही घुलने वाले। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो लड्डू बनाने की तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।